छत्तीसगढ़ विधानसभा का मौसम सत्र मंगलवार से शुरू होगा। कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि, टेस्ट और रिकवरी में पिछड़ने से लेकर अवैध शराब, अवैध उत्खनन, गाय और हाथियों की मौत के मामले में बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि चार दिन के सत्र में पहले दिन राज्य के पहले सीएम अजय जोगी समेत अन्य दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद बचे तीन दिनों में स्थगन प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाने विधानसभा में ही भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अब विधायकों के कोरोना टेस्ट के बिना ही शुरू होगा। विधानसभा का मानसून सत्र कल से है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा मानसून सत्र। पंचम विधानसभा का मानसून सत्र 25 से 28 तारीख के बीच होना है। हम लोग, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, विपक्ष के जो भी हमले हैं उसकी तैयारी करने के लिए तैयार है और हम विधायक भी, हम लोग भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है और मानसून सत्र में विपक्ष जो भी हथकंडे अपनाए मगर उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी कर रही है, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, नियमितीकरण का मुद्दा हो गया, अमित जोगी भी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद लगभग 45 लाख पंजीकृत बेरोजगार है, तो 15 साल राज करने के बाद रोजगार नहीं दिया, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के युवक युवतियों को रोजगार दिया, छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवाओं को, युवतियों को रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। जो आंकड़े आए हैं हमारी सरकार आने के बाद, बेरोजगारी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बेरोजगारों के हितों में लगातार निर्णय ले रही है। विपक्ष का ये भी कहना है कि हमारे पास मुद्दे काफी ज्यादा है, वहीं दिन कम पड़ रहे हैं विधानसभा मानसून सत्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 साल राज करने के बाद जिस ढंग से मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, चार पांच दिन से ज्यादा नहीं होता, तो आज किस मुंह से कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं? पहले अपने गिरेबान पर जाके और उनके 15 साल के शासनकाल का मूल्यांकन करें, तभी सरकार पर उंगली उठाएं। जैसा कि मानसून सत्र जो है वो कल से है, हमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।